ये कहानी बहुत ही प्यारी सी फैमिली की कहानी है। मम्मी बुक रीड कर रही होती हैं। इतने में जिनी और ध्वनि मम्मी के पास आते हैं। जिनी मम्मी को अपने स्कूल का एक नोटिस दिखाती है। उसमें जिनी को स्कूल ट्रिप से ट्रैकिंग पर ले जाने के लिए लिखा होता है। फिर मम्मी कहती है, वाओ ट्रैकिंग, ये तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा जिनी, आपको जरूर जाना चाहिए। फिर मम्मी ध्वनि से पूछती है कि बेटा आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर ध्वनि सैडली बोलती है, मम्मी कहीं पर भी नहीं ले जा रहे, हम छोटे बच्चे हैं ना, क्या छोटे बच्चों का मन नहीं होता ट्रिप पर जाने का। फिर मम्मी हंसने लगती है। फिर जिनी ध्वनि को चिढ़ाने लगती है, ओहो ट्रैकिंग पर जाएगी, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ेगी, हा हा हा। फिर ध्वनि जिनी को मारना शुरू कर देती है। अब जिनी अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है। इतने में ही जिनी के फ्रेंड राहुल का कॉल आता है। राहुल जिनी का स्कूल फ्रेंड होता है। वो जिनी से पूछता है, जिनी तू जा रही है स्कूल ट्रिप पर? जिनी कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ। फिर राहुल कहता है, मैं तो नहीं जा रहा। जिनी कहती है, क्यों क्यों नहीं जा रहा? राहुल कहता है, मेरे मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया। फिर जिनी कहती है, मेरी तो मम्मी ने अलाउ कर दिया। फिर राहुल कहता है, मेरी मम्मी पापा कह रहे हैं वहाँ बहुत खतरा है, बहुत सारे एनिमल्स होंगे वहाँ। फिर जिनी कहती है, तू लड़का होके डर रहा है? राहुल कहता है, अरे वहाँ शेर भी हो सकता है। शेर के बारे में सुनकर जिनी डर जाती है। और फिर राहुल कहता है, तू भी मत जा। जिनी फोन रख देती है और सोचती है, अगर वहाँ पे खतरा है तो मम्मी ने क्यों अलाउ किया? लेकिन मम्मी ने तो अलाउ कर दिया, मम्मी तो खतरे वाली जगह पर अलाउ करेंगी नहीं। फिर जिनी सोचने लग जाती है और थोड़ा डर जाती है। जिनी सोच ही रही होती है, इतने में मम्मी रूम में आती है सामान लेके। फिर मम्मी जिनी से कहती है, जिनी आपने अभी तक पैकिंग नहीं करी, चलो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो। जिनी कहती है, मम्मी मैं जाऊँ या नहीं जाऊं? फिर मम्मी कहती है, ये कैसा सवाल है जिनी, जिनी आपको जाना चाहिए। जिनी राहुल वाली सारी बात मम्मी को बताती है। फिर मम्मी कहती है, बेटा स्कूल आपको सेफ्टी से लेकर जाएगा, इतना सारा स्टाफ, इतने सारे बच्चे होंगे, वो आपको सेफली लेकर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, आप बहुत इंजॉय करोगे। मेरे पापा ने मुझे हर ट्रिप पे भेजा था और मैंने हर ट्रिप पे इंजॉय किया था, ये ट्रिप आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। जिनी हैप्पी हो जाती है। फिर मम्मी उसको सामान देती है और चली जाती है और कहती है, बेटा जल्दी से पैकिंग स्टार्ट कर दो। फिर थोड़ी देर में ध्वनि वहाँ आती है और ध्वनि मन ही मन सोचती है, अगर दीदी चली गई तो मैं किसके साथ खेलूंगी, इसके बारे में तो कुछ करना पड़ेगा। अब ध्वनि जिनी से कहती है, दीदी दीदी आपने अपने जंगल वाले शूज रख लिए? जिनी कहती है, वो कौन से शूज होते हैं ध्वनि? ध्वनि कहती है, अरे दीदी मेरी फ्रेंड की सिस्टर ने तो रख भी लिए जंगल वाले शूज, अगर आप नहीं रखोगे ना तो भागोगे कैसे, फिर अगर आपके सामने शेर आ जाएगा तो आप गिर जाओगे और शेर आपको खा जाएगा। ध्वनि ये कहकर बड़ी ही चलाकी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर जिनी कहती है, मेरे पास तो जंगल वाले शूज है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? जिनी पापा के पास जाती है। पापा ऑफिस के लिए निकल ही रहे होते हैं। जिनी पापा से कहती है, पापा पापा मुझे जंगल वाले शूज चाहिए। पापा कहते हैं, बेटा आपके पास स्पोर्ट शूज है तो सही, अभी तो दिलाए थे मैंने। वैसे भी जंगल वाले शूज और स्पोर्ट शूज एक ही होते हैं। फिर पापा ऑफिस चले जाते हैं और जिनी फिर सोच में बैठ जाती है। जिनी डरी हुई होती है, जिनी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वो जाए या ना जाए। अब जिनी उदास होकर रूम में बैठी होती है। इतने में मम्मी फिर आती हैं और कहती हैं, जिनी जल्दी जल्दी पैकिंग करो बेटा, सुबह आपको निकलना भी और रेस्ट भी तो करना है। और मम्मी कहती है, ये लो बेटा मैं आपके स्पोर्ट्स शूज भी ले आई हूँ, इन्हें संभाल के रख लेना। फिर जिनी कहती है, मम्मी मुझे ये शूज नहीं, मुझे जंगल वाले शूज चाहिए। फिर मम्मी कहती है, जंगल वाले शूज, वो कौन से शूज होते हैं, ये कहाँ से आ गए बीच में? और स्पोर्ट्स शूज ही तो ट्रैकिंग शूज होते हैं, ये तो आपके बहुत अच्छे शूज हैं, इन्हें रखो, चलो जल्दी से पैकिंग कंप्लीट करो। ये कहकर मम्मी वहाँ से चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर में पापा आते हैं और पापा कहते हैं, अरे भाई जिनी पैकिंग शैकिंग हो गई या नहीं हुई? फिर जिनी कहती है, पापा मेरे जंगल वाले शूज। पापा कहते हैं, जिनी आपके पास शूज है तो सही। और फिर पापा जिनी से मजाक करने लगते हैं और कहते हैं, स्पोर्ट शूज ही जंगल वाले शूज होते हैं। पापा जिनी को हंसाने की कोशिश करते हैं और जिनी से कहते हैं, चल जल्दी से पैकिंग कंप्लीट कर, फिर हम दोनों कैरम खेलेंगे। अब जिनी के पास जिनी की फ्रेंड का कॉल आता है। वो जिनी से पूछती है, और जिनी पैकिंग हो गई? फिर जिनी उससे पूछती है कि तूने जंगल वाले शूज रखे हैं क्या? वो कहती है, हाँ रखे हैं। जिनी शॉक्ड हो जाती है। इतने में ही जिनी की दूसरी फ्रेंड का कॉल आता है। फिर वो कहती है, जिनी मैं ट्रिप पर नहीं जा रही हूँ। फिर जिनी कहती है, मैं भी नहीं जा रही ट्रिप पर, मैं सो जाती हूँ। थोड़ी देर में मम्मी रूम में आती है और कहती है, उठो जिनी जल्दी उठो, आपकी ट्रेन निकल जाएगी। जिनी कहती है, मेरे को नहीं जाना, मेरे पास जंगल वाले शूज नहीं है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल मैम का कॉल आता है और वो जिनी से कहती है, जिनी जल्दी से स्टेशन पहुंचो, सभी बच्चे आ गए हैं। जिनी कहती है, मैम राहुल भी आया है? मैम कहती है, हाँ सभी बच्चे आ गए, बस आपका ही वेट हो रहा है। जिनी कहती है, मैम मेरे पास तो जंगल वाले शूज भी नहीं है। तो मैम उसको कहती है, बेटा जंगल वाले शूज की नीड ही नहीं है क्योंकि हम नॉर्मल ट्रैकिंग पर जा रहे हैं। जिनी रोने लगती है। इतने में ही जिनी की आँख खुलती है और वो देखती है कि ये सब सपना था। अब जिनी को समझ आ जाता है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वी होप आपको हमारी ये स्टोरी बहुत 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 पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।